नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल की कक्षा में हमने विसर्ग संधि को पढ़ा था, जिसमें हमने तीन संधि पढ़ ली थी, सप्त संधि, विसर्ग संधि और उत्त संधि। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें हम जो चौथे नंबर की जो संधि है, जिसको रुत्त संधि और विसर्ग संधि का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विसर्ग उसमें क्या किया था हमने, सप्त संधि में स को विसर्ग के स्थान पर स किया था, विसर्ग पर विसर्ग लगा दिया था। ठीक है, अब इसमें देखो कि रुत्त संधि में क्या है। रुत्त संधि में है कि अ आ को छोड़कर अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने स्वर एवं व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाता है। रेफ यानी र हो जाता है, यानी कि जब आप तो दोनों को छोड़ देंगे, उसके बाद में अन्य जो स्वर आएंगे उनके आगे विसर्ग के सामने स्वर एवं व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों, रेफ आदेश हो जाएगा, यानी कि र आदेश हो जाएगा। जैसे धन इति, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या बनेगा, मुनि धन इति। तो इसमें मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, अपन को र आदेश करना है, यानी कि रेफ आदेश करना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, मुनि रिति, मुनि रिति। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मतलब अपन ने क्या किया है कि विसर्ग के स्थान पर जो है वो क्या कर दिया है, उसको अपन ने र आदेश कर दिया है। ठीक है ना, अब जैसे दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे तय धन आगतम, तय धन आगतम, तय धन आगतम, आगतम। तो इसका क्या बनेगा, देखो अब विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, तुमको र आदेश करना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसको विसर्ग को र बन जाएगा, र बन जाएगा, तो इसका क्या हो गया, तय आगतम, तय रा गतम। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पर अपन को रुत्त संधि में जो है वो क्या करना है, र करना है। उसके बाद में देखो तीसरा देख लो एक बार, धेनु, धेनु प्लस गप्षति, गप्षति। तो अब देखो कैसे बनेगा, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों, रेफ आदेश यानी कि र आदेश हो जाएगा। तो इसमें हो गया अपना धैनुर गच्छति, यानी कि इसमें र अपने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब और भी देख सकते हैं अपन, ठीक है ना, जैसे मुनि दत्त थी तो मुनि दी थी, तैरागतम तो विसर्ग के स्थान पर अपने क्या कर दिया, रा कर दिया, और इसमें क्या कर दिया अपन ने, धैनु धन गच्छति, तो धैनुर गच्छति। ठीक है ना, अब एक और देख लो, भालु धन अशोक, भालु धन अशोक। तो इसमें देखिए, इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है दोस्तों, र करना है, तो अशोक की जगह क्या हो जाएगा, अशोक की जगह क्या हो जाएगा, भालु, भालु रसो। ठीक है ना दोस्तों, ये तो अपना रुत्त संधि का मतलब क्या करना है, र के स्थान पर अपन को, विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है, र करना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही एक और देख लो, एते देखिए दोस्तों, एते धन
वक्षिणम, वक्षिणम, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एते वक्षिणम, यानी कि यहां जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, अपन विसर्ग के स्थान पर अपन र कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें हो गया एते वक्षिणम, एते वक्षिणम। ठीक है दोस्तों, अपने जो ये रक्त गुप्त जो संधि है उसका एक नियम तो ये हो गया, ये मतलब आपको छोड़ करके अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने जो भी मतलब व्यंजन या स्वर हो उसको क्या कर देंगे, रेफ आदेश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपना जो दूसरा नियम आता है उसको देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम अपना क्या कह रहा है कि रुत संधि में अव्यय, अव्यय और रीका, रीका रांत शब्द के संबोधन में अकार यानी छोटा आ और आकार यानी बड़ा आ के सामने भी क्या हो जाता है, सामने विसर्ग के स्थान पर भी क्या होगा दोस्तों, रेफ आदेश हो जाएगा। यानी कि बाद में मतलब छोटा आ भी आए और आचार भी आए तो उसके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, रेफ एकादेश हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, पुनः धन अत्र, अत्र, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र होगा, तो इसमें बन गया पुनः रत्र। ठीक है, जैसे दूसरा देखिए, प्रातः धन गच्छति, गच्छति, इसका क्या बनेगा दोस्तों, प्रातर गच्छति, प्रातर गच्छति। ठीक है ना दोस्तों, मतलब इस जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या करना है, र करना है, और यहाँ पर जैसे पुनरत्र और प्रातः गच्छति, तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों, मतलब प्रातर गच्छति। अब जैसे तीसरा देखो, पितः धन बंदे, पितः धन बंदे, इसका क्या बनेगा दोस्तों, यानी कि विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है, र करना है, तो इसका बन गया, इसका बन गया पितर बंदे, पितर बंदे। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद में अपन एक और देख लेते हैं, मात धन बंदे, मात धन बंदे। तो दोस्तों अब इसमें अपन पूरी संधि में जो रुक्त संधि है उसमें विसर्ग के स्थान पर क्या कर रहे हैं, र कर रहे हैं, तो जैसे इस पितर बंदे बन गया, वैसे मातर बंदे बन जाएगा, मातर बंदे, मातर बंदे। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मतलब इस रुक्त संधि में हमने मतलब रुत्व का मतलब होता है रेफ आदेश करना। अब इस पहला नियम था जिसमें आपको छोड़ करके अपन ने रेफ आदेश किया था, और इसमें मतलब संबोधन रिकांत, रिकारांत शब्द के संबोधन में आकार और क्या कर दिया दोस्तों, आकार अपन ने कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने विसर्ग के स्थान पर क्या किया दोस्तों, विसर्ग स्थान पर र आदेश कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी जो चौथी जो संधि है उसका नाम क्या है, विसर्ग लोप संधि, पांचवी, पांचवी जो संधि है उसका नाम क्या है, विसर्ग लोप संधि। तो विसर्ग लोप संधि में क्या है कि आकार से परे विसर्ग होने पर, स्वर या व्यंजन परे होने पर उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अपन देख लेते हैं, बाला अत्रह, तलता अत्रह, देखो देखते
देखो दोस्तों, यानी कि आकार, आकार यानी आ, आ से परे विसर्ग का स्वर और व्यंजन परे होने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि देखिए बाला धन अत्र, तो इसमें क्या है आ आकार है, तो इस आकार से के बाद में क्या है विसर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अपन, बाला अत्र, यानी कि विसर्ग का यहां पर हम लोप कर देंगे तो जो वाक्य है वो जैसे के जैसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे लता, तो लता में क्या है दोस्तों आ, आकार है लता में और आगे ए धंते, ए धंते, तो इसका क्या हो जाएगा लता ए धंते, यानी कि विसर्ग लोप संधि में हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है। ठीक है ना दोस्तों, आकार के रहने पर, आकार के रहने पर क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है। जैसे ता धन गच्छति, तो यहाँ पर ता में क्या है आ, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या कर देंगे लोप कर देंगे, तो ता गच्छति, ता गच्छति। ठीक है, वृद्धा यान्ति, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप कर देंगे तो वृद्धा यान्ति। ठीक है ना दोस्तों, इसमें यहाँ क्या हो गया वृद्धा यान्ति, यानी कि इन सभी जो वाक्य हैं यहाँ पर हमने आकार होने पर क्या किया है विसर्ग का लोप किया है। अब पांचवा जो है अपना बाला धन असंति, यानी कि यहाँ पर विसर्ग का फल ने क्या कर दिया लोप कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये तो हमारा जो है विसर्ग संधि का क्या हुआ पहला नियम हुआ। अब हम विसर्ग संधि के दूसरे नियम की ओर चलते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों नियम नंबर दो क्या कह रहा है अपना, अकार से परे विसर्ग का, अकार को छोड़कर स्वर से परे विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि अकार से परे विसर्ग का, अकार को छोड़कर स्वर से परे विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों लोप हो जाता है। जैसे है रामः धन आगच्छति, तो इसमें अकार और अकार दोनों ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो हो गया रामः गच्छति। रामः गच्छति, ठीक है ना दोस्तों, है ना, या फिर आगच आग हाँ आ तो आएगा आगच्छति, रामः आगच्छति, इसमें क्या हो गया रामः आगच्छति। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे यहां पर क्या कर दिया अपने विसर्ग का लोप कर दिया, अकार पूर्व में भी है और अकार क्या है दोस्तों बाद में भी है, तो यहाँ पर हमने विसर्ग का लोप कर दिया। जैसे कृष्ण धन इति, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कृष्ण धन इति का क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या करेंगे विसर्ग का लोप करेंगे, तो कृष्ण इति। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहां पर भी हमने आता तभी विसर्ग का लोप कर दिया, यहां आ है तो भी हमने क्या कर दिया विसर्ग का लोप कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, तीसरा क्या है बाल धन क्या है इच्छति, है ना बाल धन इच्छति, इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए यहां पर भी मतलब विसर्ग लोप कह रहा है कि अलम में क्या है अ है, तो बाल इच्छति विसर्ग को हटा देंगे और जैसा का जैसा लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, रामः आगच्छति
राम आगच्छति, ठीक है, कृष्णः इति, कृष्णः इति मतलब हमने विसर्ग का लोप किया है ना, बालः इच्छति तो बालः इच्छति, ये हमारा नियम दूसरा होगा। अब हम नियम तीसरे की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, नियम नंबर तीन हमारा क्या कह रहा है कि न्य समास को छोड़कर एषः और सः इन दोनों के विसर्ग के सामने अकार के अतिरिक्त, यानी कि आपको अकार वर्ण है उसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण होते हैं उनके स्थान पर क्या होगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा, यानी कि विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, उनके स्थान पर विसर्ग को लोप हो जाएगा। जैसे देखिए एषः विष्णु, तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, नियम के अनुसार हमें विसर्ग का लोप करना है, तो इसका हो गया एषः विष्णु, एषः विष्णु, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा देखो एषः धन गच्छति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम एषः गच्छति, एषः गच्छति, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमने इसमें क्या किया है, विसर्ग का लोप कर दिया है। जैसे तीसरा देखो सः धन तत्रः, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, सतत्रः, स तत्र, मतलब हमें जैसे के जैसा विसर्ग का लोप करके जैसा है वैसा ही क्या करना है, लिखना है। और जैसे चौथा देखो एषः धन इच्छति, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया एषः इच्छति, ठीक है दोस्तों। मतलब हमें न्य समास को जो छोड़ करके एषः और सः इन दोनों दोनों के विसर्ग के सामने अकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर विसर्ग का क्या कर रहे हैं, लोप हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और देख लो, जैसे सः धन आगच्छति, आगच्छति, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे नियमानुसार, ठीक है ना। तो स आगच्छति, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमने यहाँ तक अब विसर्ग लोप संधि में मतलब तीन नियमों को पढ़ लिया के मतलब, अब तीसरा नियम जो पड़ा वह एषः और सः के आगे विसर्ग का है, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसको मतलब हम विसर्ग का लोप कर देंगे, ठीक है। अब हम चौथा नियम एक और है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो विसर्ग लोप संधि का जो चौथा नियम है वो क्या कहता है, रेफ परे होने पर स्वर से आगे के विसर्ग का लोप होता है, यानी कि रेफ हो तो भी स्वर से आगे विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, तथा लोप करने पर पूर्व स्वर क्या हो जाएगा, पूर्व स्वर के अनुसार क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कवि ही धन रचयति, कवि धन रचयति, तो यहाँ क्या विसर्ग का क्या होगा दोस्तों, लोप हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और मतलब दीर्घ हो जाएगा, यानी कि लोप करने के बाद क्या हो जाएगा, पहला स्वर जो है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कवि रचयति, ठीक है ना, कवि रचयति, यानी कि रेफ होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व लोप पूर्व मतलब स्वर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
दूसरी बात भानु राजते, तो भानु राजते, ठीक है ना दोस्तों। मतलब हमने विसर्ग का भी लोप कर दिया और आगे वाला जो है उसको दीर्घ भी कर दिया। पुनः धन रमते, रमते तो इसका हो गया पुनः रमते, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर विसर्ग का लोप करके इस रंग को क्या कर दिया, आ कर दिया, तो ये क्या हो गया पुनः रमते। हरी हरी धन रम्य, तो इसका क्या हो गया हरी रम्य, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब बड़ा है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो हरी रम्य, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में इसको क्या करेंगे अपन, शंभु धन राजते, शंभु धन राजते, तो ये हो गया शंभु राजते, ठीक है ना दोस्तों। इस नियम में हमने रेफ के रेफ से क्या किया, विसर्ग को लोप कर दिया और पूर्व वाले स्वर को क्या कर दिया, मतलब दीर्घ में हमने बदल दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो विसर्ग लोप संधि है वो यहाँ पर संपन्न होती है और यहाँ पर हमारा जो संधि का प्रकरण जो चल रहा था वो संपन्न होता है, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो एक बार जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।